निवासी, इस सिस्टर का नाम दीपमाला है और ये नूरपुर हिमाचल की रहने वाली है। और अभी आपने कहा था कि जिनको आंखों की प्रॉब्लम है वो आगे आ, आंखों की प्रॉब्लम है वो आगे आ जाओ। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। उठाओ उठाओ अपने हाथों को, वो छूरा प्रार्थना की। और इनकी ये प्रॉब्लम थी कि 8 महीने से इनको ब्लर जैसा दिखाई देता था, धुंधला दिखाई देता था, और इनकी ये आंखों की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही थी, और ये अपने फोन के जो नंबर थे वो भी ठीक ढंग से देख नहीं पाते थे। और आज जब आपने कहा कि जितने आंखों के रोगी है वो आगे आ जाए, जैसे सिस्टर आगे आए आपने इनके ऊपर लेहन किया और इनकी आंखों की जो रोशनी कम होती जाती थी, ब्लर जैसा दिखाई देता था, आज और अभी सामर्थी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद वो ठीक हो चुकी है। सब जन जोर से तारीफ करें। देखिए सिस्टर कैसे अपना फोन निकाले, चेक करो फोन के साथ ही, फोन भी छोटा है, पढ़ के दिखाओ नंबर। पापा मैं पहले सोचती कि मैं ज्यादा प्रॉब्लम वधी पई है, ते काम वधे करदा घटदा नहीं पिया। मैं एनक भी लवा के आई सी पर मैं उन्हें यूज नहीं किया। मैं कोई नहीं, परमेश्वर ठीक करेगा। आज की है, आज ठीक होगी। अज मैं जाके इतों जो गई ना पुलपिट, तो मैं पिछे जाके फोन नु देखा, मैं सब तो पहले फोन ही वेखनी, इन्हों ही ज्यादा वेखनी है, फिर देखा तो बिल्कुल ठीक सी। पहली बार चर्च में, सिस्टर का नाम रजनी है, ये जुग्याल के रहने वाली है। ये बहन बता रही है 8 साल से पासी इनकी कमर में भयंकर दर्द था, किसी की देख रहा हूँ कि बैक पेन जा रही है, बैक पेन जा रही है, किसी की सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाती रही इशू के नाम से, हड्डियों की प्रॉब्लम जाती रही इशू मसीह के सामर्थ्य नाम से। और ये बहन कलीसिया में बैठे थे, जैसे इन्होंने आपके सामर्थ्य वर्ड को रिसीव किया उसी टाइम इन्होंने चेक किया और इनकी जो 8 साल की लगातार बेल्ट लगी थी आज और अभी उतर चुकी है पासी। अब ये सिस्टर झुक पा रहे, झुके सिस्टर, झुके झुके, भागे भागे भागे, पहली बार आए। हां जी पापा जी, क्या हुआ आज? पापा जी आप जब बोल रहे थे कि आपकी बैक पेन जा रही है तो मैंने रिसीव किया और मेरी दर्द बहुत चली गई। पहले बहुत ज्यादा पेन हो रही थी जब मैं बैठी थी, तो बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। जब आप वचन भी समझा रहे थे तब भी मेरे से बैठा नहीं जा रहा था। जैसे आपने बोला बैक पेन जा रही है और मैंने रिसीव किया और मेरी दर्द चलेगी। कितने समय से आपको बेल्ट लगी थी, कितना टाइम? पापा जी 2015 जुलाई महीने में ये मेरे को प्रॉब्लम हुई थी। और 2015 से लगी हुई? हाँ जी पापा जी। तो आज क्या हुआ? आज मेरे बहुत ज्यादा पेन हो रही थी जब आपने बोला कि बैक पेन जा रही है, तो मैंने उसको रिसीव किया और मेरी पेन चली गई। बड़े बड़े का करता है। सुनीता कौन है? सुनीता मेरे भाभी है, उनके भाभी का नाम है सुनीता। ओ जीसस हालेलुया। सुनो और परमेश्वर उन्हें ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। क्या प्रॉब्लम है उन्हें? उनको बेबी प्रॉब्लम है, बेबी नहीं हो रहा। बेबी नहीं है? नहीं पापा जी। और वो बेबी 2023 में बेबी के साथ आएंगे क्या? आमीन। समझ रहे हो मेरी बात को? हां जी पापा। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। हां जी पापा जी। तो वो बेबी के साथ ब्लेस होंगे। आमीन। 2023 में यीशु के नाम। आमीन। ये सिस्टर आज पहली बार चर्च में आए, बसोली के रहने वाले हैं, और ये बहन बता रही है 6 महीने से इनके आंखों में बहुत ज्यादा दर्द था, और जैसे आपने कहा कि जिनके आंखों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम है वो आगे आ जाओ। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। उठाओ उठाओ अपने हाथों को, वो छूरा। जैसे ये बहन आ गए और इनकी जो आंखों की प्रॉब्लम थी वो आज और अभी गायब हो चुकी है। सब जन जोर से तारीफ करें। इनको ना इनको ब्लर जैसे दिखाई देता, बहुत कम
दिखाई देता था, और जैसे प्रार्थना की इनको प्रॉपर साफ दिखाई दे पा रहा है पासी। आसका नहीं दिखता था। अब पढ़ो जरूर। पढ़े नहीं है। अच्छा पढ़े नहीं। ये कौन सा कलर है यहाँ? नीला। ये पेन के साथ मिली और उसके ऊपर ऊपर कौन सा? सफेद। और उसके साथ काला। चश्मा लगा कर रखती थी, और आज ये बहन पासी सबसे खास बात, आज ये बहन घर से चश्मा ही नहीं लगा कर आए थे, ये प्रार्थना करके आए थे कि मैं चर्च में जाऊंगी और मेरी आंखें चंगी हो जाएंगी। जैसा पासी उन्होंने प्रार्थना की, वैसे ही अपने आंखों के रोगियों को आके बुलाया, अपने प्रार्थना की, और इनकी दूर की नजर जो कम दिखाई देता वो साफ साफ दिखने लग चुका है। सब जन जोर से तारे करें। आंखों के रोग जाते रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अंधी गूंगी और बहरी आत्माएं आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चंगी हो जाओ, चंगी हो जाओ, चंगी हो जाओ, चंगी हो जाओ। उठो अपने हाथों को। सुनो कितनी दूर तो नहीं लगता सी थोनू? मेनू ना ए जरा जिस जड़ा पहले कोट वाला ना इत्थे तक दिसता सी, मैं तो दूर तक दिसता पया। अच्छा ओ जीसस। पहले वाले ने केड़े रंग दा कोट पाया? नेवी ब्लू। ओ अच्छा, उसने काला डाला हुआ। की होया सी दसो? जिने घर से गया मैं चश्मा चश्मा कोई नहीं ला के जाना, मेरे इतने दुख ने ना सब मेरे दूर करनगे पापा जी। मैं आई है आन के ते मैं हाथ जोड़ के मैं तुहाडे वाल देखिया, जो मैं तुसी अग्गे की बुलाया वे मेरे सिर ते, मैं घरों ही त्याग आई थी कि हाथ मेरे सिर ते आज रखना उन्होंने। सारे दुख दूर हो गए। ओह हालेलुया जीसस। कितों आए तुसी? मैं सुंदर नगर तो आई है। सुंदर नगर मेरा बेटा भी आंदा है। अच्छा ओदे नाल ही मैं आउनी है। ठीक है, किदां लग रहे हो तुहानू? मैनू बहुत ठीक लग रहे हैं, मैं तो आज वर्जिश च बहुत खुश हां। सुजानपुर की रहने वाली है, और ये बहन बता रही है 3 साल से पासी इनकी दूर की और नजदीक की नजर बहुत कम होती जा रही थी, और ये बहन बता रहे बहुत परेशान थे, घर के काम भी नहीं कर पाते थे, इनको धुंधला दिखाई देता था, बहुत दिक्कत आती थी, और आज जब आपने कहा कि जिनको आंखों के रोग है वो आगे आ जाए। आंखों के रोग जाते रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अंधी गूंगी और बहरी आत्माएं आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चंगी हो जाओ, चंगी हो जाओ, चंगी हो जाओ, चंगी हो जाओ। उठाओ उठाओ अपने हाथों को। जैसे ये बहन आएगा आगे दूर की नजर और पास की नजर दोनों ठीक हो चुके हैं। सब जन जोर से तारीफ करें। सब जन तारीफ करो परमेश्वर। पासी से भाई का नाम विजय जो ममून पठानकोट के रहते हैं, और ये भाई बता रहे 1 साल से पासी इनके कान के पर्दे फट चुके थे, और किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसके कारण इनके कानों के पर्दे फट चुके थे और इनको कम सुनाई देता था, और आज जब आपने कहा कानों के रोगी आगे आ जाए, जिनको कानों की प्रॉब्लम है वो आगे आ जाओ। अंधी गूंगी और बहरी आत्माएं आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चंगी हो जाओ, चंगी हो जाओ, चंगी हो जाओ, चंगी हो जाओ। उठाओ उठाओ अपने हाथों को। जैसे ये आगे आए और इनके जो कानों के पर्दे फटे हुए थे कम सुनाई देता, प्रॉपर सुन पा रहे हैं, सब जन जोर से तारीफ करें। क्या हुआ था आपके साथ? एंटी ए होने आई, उन्होंने यार पीटी दी होली दी लड़ाई हो गई आपकी? हां जी। फिर उन्होंने तुम्हें मारया, तेरे कान का पर्दा फट गया? केड़े कान का फटया? दोनों वाला। ते बिल्कुल नहीं सुनता? अच्छा हूं हां जी। बिल्कुल नहीं सुनता सी तन्नू? नहीं समझ रहे आप? ओ जीसस हालेलुया जीसस। गायब हो चुका है।
विशंबर कुमार है और यह सिंबला चौंक के रहने वाले, ये बाई बता रहे हैं पास 10 साल से इस बाई को शुगर और पित्त की पथरी की प्रॉब्लम थी, जिस कारण ये बाई बता रहे हैं कि इनको काफी प्रॉब्लम होती थी और इनके पित्त की पथरी के कारण पास डॉक्टर ने बताया कि आपका ऑपरेशन होगा और इनका ऑपरेशन ना होने की वजह थी कि इनकी शुगर कम हो जाती थी और डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया था अक्टूबर 2022 को पास बहुत भाई बीमार हो गए थे और इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और इनकी शुगर कंट्रोल में नहीं हो रही थी। जैसे उन्होंने पास चर्च को सेंटर से प्रार्थना करें हमारे बीच में बिल्कुल ठीक ठाक खड़े हैं, सब जन जोर से तारीफ करें।